मतालिम में गौर करते तो अली से ये सवाल न करते, ऐ अली क्या इनकी तादाद के बारे में कोई जानता है? ऐ अम्मार तुम सवाल न करते अगर तिलावत करते मफाहिम को समझते। मौला ने कहा, अम्मार क्या तुम जानना चाहते हो कि वो मखलूक कौन है? अम्मार ने कहा, मौला अगर बता दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अम्मार के दिल में बेचैनी शुरू हो गई, शायद अल्लाह की कोई मखलूक है इस दुनिया में जो इसकी तादाद को भी जानता हो, जो इसकी तादाद के बारे में जानता हो, इनके बारे में जानता हो कि यहाँ पर चूटियां कितनी है। जनाबे अम्मार की जब बेचैनी बढ़ती गई तो अमीरे कायनात ने कहा, अम्मार मेरी तरफ देखो। अम्मार ने अली की तरफ देखा और देखने के बाद अली ने कहा, अम्मार मैं ही इमामे मुबीन हूँ। अम्मार मैं ही इमामे मुबीन हूँ और अम्मार मैं इतना ही नहीं जानता, अम्मार मैं ये नहीं जानता हूँ कि इन चींटियों के दरमियान नर कितने हैं, मादा कितने हैं। इनमें नर कितने हैं, मादा कितने हैं। और अम्मार अभी यही बात खत्म नहीं हुई, कहा मौला आगे बयान कर दीजिए। कहा अम्मार मैं ये भी जानता हूं कि इस आबादी में जब से दुनिया खल्क हुई है इस आबादी में कितनी चूतियां आई है, कितनी मर गई है और कितनी आएगी। अम्मार मैं यही नहीं जानता, मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, जितनी आई है जितनी जा चुकी है। उसके बाद अली कहते हैं अम्मार तुम नहीं जानते कि इनकी तादाद के बारे में और भी है जो जानता है। कहा या अली वो बता दीजिए। कहा मेरे बाद मेरी औलाद होगी जो इसी इल्म को मेरे जरिए हासिल करेगी। सलावत।